Hello my dear friends, you are most welcome in our video session and you guys are watching IT Adda. आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स. बेसिकली आज का वीडियो थीम है कि हम WDS सर्विस को यूज करते हुए नेटवर्क में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं. अभी तक हमने जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन मेथड देखे हैं वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मेथड्स जो है ये बताते हैं कि इंडिविजुअल सिस्टम पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं. बट ये वीडियो आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज देने वाला है जिसमें आप नेटवर्क में साइमल्टेनियसली मल्टीपल सिस्टम पे एक साथ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं. सपोज करो आपकी कंपनी में कोई एक नई यूनिट लगी है, उस नई यूनिट में अराउंड 500 to 600 नंबर ऑफ पीसीज लगे हैं, तो इतने सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर्स में आप कैसे एक साथ विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं. तो बहुत ही इजी टास्क है माय डियर फ्रेंड्स. इसके लिए विंडोज ने काफी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए हुए हैं जिसके बिहा पे आप एक साथ साइमल्टेनियसली नेटवर्क में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं मल्टीपल पीसीज पे. तो बेसिकली आज का वीडियो थीम यही है माय डियर फ्रेंड्स कि WDS सर्विस को यूज करते हुए एक साथ साइमल्टेनियसली मल्टीपल ऑपरेटिंग मल्टीपल पीसीज पे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है नेटवर्क में. ठीक है, तो इसके लिए कुछ बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स है माय डियर फ्रेंड जो मैंने यहां पे मेंशन कर रखी है. एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू WDS. यदि आप विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस का यूज करने वाले हैं तो आपको क्या क्या चाहिए. सबसे पहले WDS जो पॉसिबल है वो सर्वर प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड्स. इस बात का ध्यान रखें, आप जिस पर्टिकुलर सर्वर को WDS सर्वर बनाएंगे उस सर्वर पे बेसिकली सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ही होना चाहिए. चाहे आप सर्वर 2K16 ले लें या 19 ले लें, मैटर नहीं करता, पर आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना कंपलसरी है. ठीक है, दूसरी चीज, आपका जो वो सर्वर होगा जिसको आप सर्वर टारगेट कर रहे हैं वो DHCP भी होना चाहिए. ठीक है, रिकमेंडेड है DHCP इसलिए होना चाहिए कि जब आप नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क में कनेक्टिविटी होना कंपलसरी है और कनेक्टिविटी होने के लिए IP असाइन होना कंपलसरी है. तो नेटवर्क में ऑटोमेटिकली जो भी क्लाइंट विंडो इंस्टॉल करना चाह रहा है अपने डिस्क में बेसिकली वो सिस्टम नेटवर्क के माध्यम से रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को. तो सबसे पहले वो IP की रिक्वेस्ट करेगा, तो IP की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड सर्वर होता है, दैट इज कॉल्ड DHCP सर्वर. DHCP सर्वर के बिहाफ पे हम नेटवर्क में किसी भी सिस्टम पे IP असाइन करवा सकते हैं. तो जब तक IP नहीं असाइन होगा तब तक कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, और जब तक कनेक्टिविटी नहीं बनेगी WDS के द्वारा हमारी इंस्टॉलेशन इमेज या इंस्टॉलेशन फाइल्स ट्रांसफर नहीं होगी और विंडो नहीं डल सकती है. ठीक है, तो WDS होना कंपलसरी माय डियर फ्रेंड्स. इसके बाद आपको यहां पे एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कर सकते हैं, बिना एक्टिव डायरेक्टरी के भी कर सकते हैं. तो अभी का हमारा जो वीडियो टारगेट है वो बिना एक्टिव डायरेक्टरी के है, तो यहां पे मैंने एक्टिव डायरेक्टरी ऑप्शनल लिख रखा है. आप एक्टिव डायरेक्टरी के द्वारा भी कर सकते हैं, वो भी आगे वीडियो मैं बेसिकली डिजाइन कर दूंगा उस पर. तो अगला ऑप्शन है कि आपके पास एक पर्टिकुलर ड्राइव होनी चाहिए जिसमें आप WDS की इंस्टॉलेशन इमेज बेसिकली रिमोट इंस्टॉलेशन इमेज को कंटेन्स करने वाले हैं. तो एक 10 GB का मिनिमम पार्टीशन होना कंपलसरी है जो कि NTFS फॉर्मेटेड हो. ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है इफ यू वांट टू डू WDS. ओके, एक और रिक्वायरमेंट है माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप WDS करने वाले हैं तो आपके पास उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन आपके पास इमेज होनी कंपलसरी है, और वो इमेज ISO इमेज नहीं होनी चाहिए, वो इमेज बेसिकली एक्सट्रैक्ट इमेज होनी चाहिए. मतलब ISO इमेज को जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो फोल्डर के फॉर्मेट में आ जाता है, तो वही फोल्डर फॉर्मेट वाली इमेज हमें रिक्वायर्ड होगी यदि आप WDS करने वाले हैं. तो बेसिकली ये बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स है. यदि आपने इस सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लिया है, ये देख लिया है, प्रॉपरली नोट डाउन कर लिया है, तो मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे आपको लेके चलूंगा. वर्चुअल मशीन पे मैंने सर्वर डाल रखा है. बेसिकली ये जो मेरी मशीन है वो विंडोज 10 पे रनिंग है, तो विंडोज 10 पे WDS पॉसिबल नहीं है, तो हमें सर्वर की तरफ जाना पड़ेगा, और सर्वर प्लेटफॉर्म के लिए मैंने वर्चुअल मशीन का यूज किया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स. तो आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज भी हो जाएगा कि आप हाइपर वर्चुअलाइजेशन या हाइपर वी को यूज करते हुए ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कर कैसे सकते हैं. मतलब इंडिविजुअल मशीन पे आपको प्रैक्टिस लेनी है, इस WDS की प्रैक्टिस करनी है, तो वो भी चीज क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली हाइपर वी को यूज करते हुए हम ये पूरा का पूरा सर्वर सेटअप कैसे कर सकते हैं जिसके द्वारा हम नेटवर्क में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सके. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स. तो चलते हैं वर्चुअल मशीन की तरफ. ये मेरा सर्वर प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं यहां पे सर्वर मेरा एक्सट्रैक्ट हो चुका है. अब इस सर्वर प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले रिक्वायरमेंट की ये सर्वर प्लेटफॉर्म है. मैंने पहले रिक्वायरमेंट डन करी है यहां पे कि ये मेरा सर्वर प्लेटफॉर्म है. सर्वर प्लेटफॉर्म पे जो पॉसिबिलिटीज है वो WDS हो सकती है, इस वजह से सर्वर होना कंपलसरी है. ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट डन. दूसरी रिक्वायरमेंट कहती है कि आपका जो है DHCP इंस्टॉल होना चाहिए. तो बेसिकली यहां पे DHCP का रोल ऑलरेडी इंस्टॉल है
मैं आपको वेरीफाई करा देता हूं। आप सर्वर मैनेजर में जाएंगे, सर्वर मैनेजर में जाने के बाद आपको यहां पे ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे जाना होगा। बेसिकली ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे जैसे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहां पे सर्वर नेम आईपी वगैरह एक्सेस करेगा, नेक्स्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहां पे मैंने पहले से ही, चूंकि वीडियो काफी लेंदी ना हो जाए इस वजह से मैंने यहां डीएससीपी का रोल और WDS यहां नीचे देख सकते हैं विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज दोनों के ही रोल इंस्टॉल कर रखे हैं। तो इस वजह से क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, मैं इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के थ्रू जाता तो यहां वीडियो ऑलरेडी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और आप सबको पता है कि यूट्यूब पे आप ज्यादा लेंदी वीडियो पसंद नहीं करते, इसलिए शॉर्ट में बनाना पड़ता है। बट बाय द वे प्रैक्टिकल लेंदी होने की वजह से वीडियो ऑब्वियसली ये लेंदी होगा, बट आप इसको थोड़ा सा प्रॉपरली देखेंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे नॉलेज गेन होने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी DSCP और WDS दोनों रोल इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, आपको यहां आके चेक करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश करना है बस। ठीक है, तो इतना आप कर लेंगे आई होप सो। अब ये हमारे रोल इंस्टॉल होने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले DSCP कॉन्फिगर करना है। DSCP कॉन्फिगर करने के लिए सबसे पहले आप अपने लैन कार्ड के आईपी एड्रेस को वेरीफाई कर लें कि आईपी एड्रेस चल रहा है नहीं चल रहा है। तो मैं यहां पे डबल क्लिक करता हूं, डिटेल में जाता हूं, तो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी एक आईपी चल रहा है, दैट इज 10.0.0.1। इसी सीरीज से मिलता जुलता मैं डीएससीपी में स्कोप कॉन्फ़िगर करूंगा और उसी स्कोप के द्वारा जितने भी क्लाइंट मशीन्स होंगी वो सारी क्लाइंट मशीन्स आईपी एक्सेस करेंगी, आईपी एक्सेस करके कनेक्टिविटी बनाएंगी WDS सर्वर से और अपनी इमेजेस को एक्सेस करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस डन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट मेन्यू पे जाता हूं माय डियर फ्रेंड्स। यहां पे आपको विंडोज विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ओपन करना है। विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के बाद यहां पे डीएससीपी ऑप्शन को टारगेट करना है। पहले मैं डीएससीपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, ध्यान रहे आपको। यहां पे डीएससीपी पे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स फुल स्क्रीन करके। यहां पे सबसे पहले डीएससीपी में ये आपका IPv4 का ऑप्शन आ जाएगा। IPv4 पे आपको राइट क्लिक करना है, एक नया स्कोप बनाना है। स्कोप बेसिकली डीएससीपी का पूरा ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स वन बाय वन मैं वीडियो के थ्रू आपको यहां पे आगे चल के डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल मैं अभी के लिए आप जैसा कर रहा हूं वैसे आप हूबहू कॉपी करते चले नेक्स्ट करेंगे। यहां पे नेम दे दीजिए, आप WDS दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसको बेसिकली WDS को टारगेट कर रहा हूं तो WDS आप यहां दे देंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहां पे आपको DSCP का स्कोप स्टार्ट रेंज और एंड रेंज देना होता है। तो यहां पे मैं शुरू कर रहा हूं 10.0.0.2 से, मैंने दिया 10.0.0.100 तक। ठीक है, इट्स 10.0.0.100। तो मैंने एक अच्छा खासा लेंथी स्कोप बना दिया है 2 to 100 तक, मतलब यहां से लेके लगभग आप पीसी कैलकुलेट कर लेंगे तो इतने नंबर ऑफ पीसीज पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है, या फिर कहें कि ये DSCP सर्वर इतने नंबर ऑफ पीसीज को आईपी दे सकता है। ठीक है, तो क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे 99 पीसीज पे, नेक्स्ट। यहाँ पे अब यहाँ पे एक्सक्लूजर रेंज आपको देने की आवश्यकता नहीं है, नेक्स्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट लीज ड्यूरेशन जो भी आता है बाय डिफॉल्ट 8 डेज आता है, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगले आने वाले 3 ऑप्शंस और हैं, उन्हें हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ पे मैं नो करके सीधे फिनिश कर देता हूं। तो ये हमारा डीएससीपी स्कोप बन चुका है। एक्टिव करने के लिए यहां पे इसे एक्टिवेट स्कोप करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये आपका डीएससीपी स्कोप प्रॉपरली रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट भी हमारी फुलफिल हो गई कि डीएससीपी सर्वर हमारा पूरी तरीके से रेडी है। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, डीएससीपी सर्वर के बाद अब आपको कॉन्फिगर करना है WDS। ओके, इसके पहले मैं आपको एक चीज और वेरीफाई करा देता हूं कि यहां पे मैंने अपने सिस्टम ड्राइव में ये सर्वर 2K19 की एक्सट्रैक्ट इमेज ऑलरेडी रख रखी है। मैंने जो बात किया था कि एक्सट्रैक्ट इमेज होनी कंपलसरी है, तो ये एक्सट्रैक्ट इमेज मेरे सिस्टम में पड़ी हुई है माय डियर फ्रेंड, जिसके द्वारा हम WDS फुलफिल करेंगे, क्योंकि बिना इमेज के आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो ये इमेज होनी कंपलसरी है। इसमें बेसिकली 2 मेन फाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो आगे चल के डिस्कस करूंगा। तो अगला ऑप्शन है WDS को कॉन्फिगर करना। स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ पे विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स ओपन करेंगे। यहाँ पे नीचे सबसे ऑप्शन आ रहा है, नीचे थर्ड ऑप्शन है, लास्ट थर्ड, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। इस पे डबल क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। डबल क्लिक करने के बाद ये विजार्ड ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे सर्वर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर का नेम एज अ सर्वर ले लेगा। राइट क्लिक करेंगे, कॉन्फिगर सर्वर पे जाएंगे। कॉन्फिगर सर्वर पे जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको WDS करना है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट खुद आपको रिकमेंड करता है, ये सारे जो है रिक्वायरमेंट्स है आपको ये सारी चीजें होनी कंपलसरी है यदि आप WDS करने वाले हैं तो। ठीक है ना, तो WDS करने के लिए सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी होना कंपलसरी भी है और नहीं भी है, पहला वाला ऑप्शन है। दूसरा, DSCP सर्वर का होना कंपलसरी है, वो हमने पहले बता दिया आपको, कॉन्फिगर भी कर लिया हमने।
और यहाँ पे आपके क्लाइंट क्लाइंट साइड मतलब जो जिस किसी सिस्टम पे आप इंस्टॉलेशन चाह रहे हो उस पर्टिकुलर सिस्टम पे जो लैन कार्ड लगा है उस लैन कार्ड पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रॉम चिप पाई जाती है जिसे बोलते हैं प्री एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट ओके पीएक्सई रॉम चिप होनी कंपलसरी है। तो मैं आपको बता दूं आज की डेट में इस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है, जितने भी न्यूली लेटेस्ट सिस्टम आ रहे हैं आज की डेट में सारे पीएक्सई इनेबल्ड आ रहे हैं, तो आपको लैन कार्ड की हेडेक नहीं लेनी है क्योंकि लैन कार्ड पे जब तक पीएक्सई नहीं होगा तब तक वो बूट प्रोटोकॉल नहीं जनरेट करेगा, जब तक बूट प्रोटोकॉल जनरेट नहीं करेगा तब तक वो अपने डीएससीपी सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता, और जब तक डीएससीपी सर्वर एक्सेस नहीं होगा वो आईपी नहीं देगा, कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, कुल मिलाकर ओवरऑल डब्ल्यूडीएस नहीं हो सकता। तो यह पीएक्सई इनेबल्ड रॉम चिप है तो क्लाइंट पे ये होना बहुत कंपलसरी है, पीएक्सई इनेबल्ड रॉम चिप होना बहुत कंपलसरी है अगर आप डब्ल्यूडीएस करने वाले हैं तो। और आप ये भी समझ लें कि लेटेस्ट सिस्टम जितने भी आ रहे हैं सब पे पीएक्सई इनेबल्ड रॉम चिप आ रही है, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो डीएनएस होना कंपलसरी है यहाँ पे ये बताया जा रहा है, बट डीएनएस एक्टिव डायरेक्टरी के केस में डीएनएस कंपलसरी है, बिना एक्टिव डायरेक्टरी के करेंगे स्टैंड अलोन पे तो रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे एनटीएफएस फॉर्मेटेड ड्राइव होनी कंपलसरी है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही एनटीएफएस फॉर्मेटेड ड्राइव एक बना रखा है डब्ल्यूडीएस के नाम से, ठीक है, आपको इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक पर्टिकुलर 10 GB की मिनिमम ड्राइव आपको यहाँ पे बना लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्वर कॉन्फिगर करने के लिए रिक्वायरमेंट आ रही है, रिक्वायरमेंट का आप प्रॉपरली देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हो सकता है इंटरव्यू में इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सके। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि दो ऑप्शन आते हैं, एक तो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ WDS करने वाले हो तो ऊपर जाओ, यदि आप बिना एक्टिव डायरेक्टरी के करने वाले हो तो आप स्टैंड अलोन को चेक करो। तो मेरे सिस्टम में अभी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस नहीं है तो मैं स्टैंड अलोन के थ्रू जा रहा हूं, आगे चल के मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें हम एक्टिव डायरेक्टरी के साथ WDS को करेंगे, तो वो वीडियो आने वाला अपकमिंग वीडियो होगा माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये स्टैंड अलोन सर्वर के थ्रू हम जाएंगे, तो स्टैंड अलोन को सर्वर को चेक करके हम नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे रिमोट इंस्टॉलेशन नाम का एक फोल्डर बनेगा जिसके अंदर सारी इमेज कंटेंट्स होंगी, तो बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव लेता है। मैंने आपको बताया था कि जो पर्टिकुलर ड्राइव आपने बनाई है उस पर्टिकुलर ड्राइव का जो पाथ होगा वही पाथ आपको देना है, तो मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ लेटर चेंज करना है। अभी बाय डिफॉल्ट सी लेटर ले रहा है तो आपको यहाँ पे ई कर देना है, ठीक है, आप यहाँ सी को डिलीट करके यहाँ पे ई ड्राइव कर देंगे और वही ड्राइव करेंगे जो पर्टिकुलर ड्राइव आपके सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिमोट इंस्टॉलेशन नाम का एक फोल्डर बन जाएगा ई ड्राइव में जिसके अंदर सारी WDS की इंस्टॉलेशन इमेज कंटेंट्स हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे डीएससीपी के दो ऑप्शन आते हैं, ध्यान रहे आपको ये दोनों डीएससीपी ऑप्शन को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, यदि आपने यहाँ पे डीएससीपी के किसी भी ऑप्शन को अनचिक कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो आपका ये WDS का सर्वर बंद हो जाएगा, पर वो स्टार्ट नहीं होगा, वो परमानेंटली स्टॉप मोड में चला जाएगा, तो आपको यहाँ पे ये चीजें ध्यान में रखनी है कि इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे कह रहा है कि पीएक्सई सर्वर इनिशियल सेटिंग्स, यहाँ पे यदि आपने इन तीनों ऑप्शन में से नीचे के दोनों ऑप्शन पे चिक किया तो वेल, यदि आपने ऊपर वाले ऑप्शन को चिक कर दिया तो क्लाइंट साइड से जो भी रिक्वेस्ट आती रहेगी वो रिक्वेस्ट ये WDS सर्वर लिसन नहीं करेगा, मतलब ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो आपका सर्वर कोई भी क्लाइंट WDS को रिक्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये WDS सर्वर का काम है कि उस पर्टिकुलर क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करे, तो यहाँ रिस्पॉन्ड टू ऑल क्लाइंट कंप्यूटर्स नोन एंड अननोन, इस वाले ऑप्शन को आपको चेक करके चलना है, ध्यान रहे इस विजार्ड में आपको सिंपली इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है और सीधे नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आपका WDS सर्वर कॉन्फिगर हो रहा है, कॉन्फिगरेशन होने के बाद यहाँ पे फिनिश का विजार्ड आ जाएगा, ये फिनिश हो गया है, ठीक है। फिनिश होने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं स्टॉप का सिंबल आ रहा है, तो इसको सबसे पहले एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आप इस सर्वर पर राइट क्लिक करेंगे, ऑल टास्क पे जाएंगे, यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो यह स्टार्टिंग की सर्विस इनेबल हो जाएगी, सक्सेसफुली स्टार्टेड विंडोज WDS, ठीक है, ओके कर देंगे, वो ऑप्शन हटे के प्ले की बटन आ जाएगी, तो ये प्ले की बटन होनी कंपलसरी है, आप वेरीफाई कर लें ये प्ले की बटन होनी कंपलसरी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दो काम करने हैं, एक तो इंस्टॉलेशन इमेज बनानी है, दूसरी बूट इमेज बनानी है, वन बाय वन दोनों ही बनाने कंपलसरी है। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन इमेज पे राइट क्लिक करेंगे, एड इंस्टॉल इमेज पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ग्रुप नेम आप चेंज कर सकते हैं, और डिफॉल्ट रहने दो तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिफॉल्ट नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे,
नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फाइल की लोकेशन पूछ रही है, तो आपको यहाँ पे आपकी जो एक्सट्रैक्ट इमेज है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने सर्वर की इमेज ऑलरेडी कंटेन्स कर रखी है सर्वर 2K19, इस पर्टिकुलर फोल्डर के भीतर एक फोल्डर आएगा सोर्सेज के नाम का, सोर्सेज के भीतर आपको वो दोनों फाइल मिलेंगी, वो दोनों फाइल मैं आपको वेरीफाई करा दे रहा हूं। एक तो आएगी इंस्टॉलेशन install.vim, ध्यान से देखें ये वाली फाइल जो है 3.86 GB की है अप्रॉक्स, विंडोज इंस्टॉलेशन इमेज के नाम से आएगी install.vim, और एक आएगी boot.vim। तो यहाँ boot.vim और install.vim ये दो मेन फाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये 382 MB की है और install.vim थोड़ी इससे हैवी है, तो बेसिकली इन दोनों फाइल की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आपको यदि आप इंस्टॉल इमेज पे जा रहे हैं तो install.vim, और बूट पे जाएंगे तो boot.vim सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने इंस्टॉल इमेज पे राइट क्लिक किया है, तो मैं यहाँ जो फाइल एक्सेस करूंगा दैट इज द install.vim। ये बता भी रहा है कि दो इमेज फाइल होती है, जिसमें आपको यदि इंस्टॉलेशन इमेज पे जा रहे हैं, यदि इंस्टॉल इमेज को क्लिक किया है, राइट क्लिक किया है, तो आपको यहाँ पे install.vim सेलेक्ट करना है। तो ब्राउज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ब्राउज करने के बाद सिस्टम ओपन करेंगे, सिस्टम में आप सी ड्राइव में जिस जो जो भी पर्टिकुलर लोकेशन हो सकता है, आपके केस में कोई और ड्राइव हो तो आप उस पर्टिकुलर ड्राइव को ओपन करेंगे, अपने फोल्डर पे जाएंगे, सोर्सेस फोल्डर को ओपन करेंगे। मैं सर्वर 2K19 के फोल्डर के अंदर हूँ, सोर्सेस के अंदर हूँ, सोर्सेज के अंदर यहाँ पे दोनों इमेजेस आपको यहाँ पे दिख रही हैं, boot.vim install.vim। तो चूंकि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल इमेज पे राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे मैंने install.vim को सिलेक्ट किया, ओपन कर लिया, ये install.vim यहाँ से ऐड हो गया। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे बेसिकली सर्वर में आपको चार इमेजेस मिलती हैं, चार पर्टिकुलर ऑप्शंस मिलते हैं, दो कोर के मिलते हैं, दो ग्राफिक मिलते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं, चारों ऑप्शंस आ रहे हैं। बेसिकली आप यहाँ पे सिलेक्शन लेना चाहते हैं कि कोर नहीं करना है, सिर्फ ग्राफिक करना है, ग्राफिक नहीं करना है, कोर करना है, तो आप यहाँ चिक एंड चिक कर सकते हैं, अदरवाइज डिफॉल्ट रहने तो बेस्ट होगा। नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे चारों इमेजेस क्रिएट हो रही है। ये थोड़ा हो सकता है कि टाइम टेकन पॉलिसी हो, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बट प्रोसेस तो काफी फास्ट चल रहा है, तो आई होप सो ये जल्दी हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये WDS एक ऐसी सर्विस है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसके द्वारा आप नेटवर्क में एक साथ बहु सिस्टम पे, कई सारे सिस्टमों पे, इवन की अनलिमिटेड सिस्टम्स पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम साइमल्टेनियसली इंस्टॉल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये प्रोसेस मेरा डन हो गया है, मैंने इंस्टॉल इमेज बना ली है, फिनिश कर देते हैं। तो इंस्टॉल इमेज में आप देख रहे हैं ये चारों इमेज हमारी यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। अब हम बूट इमेज पे जाएंगे, बूट इमेज पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड बूट इमेज पे जाएंगे, ऐड बूट इमेज पे यहाँ पे आपको फाइल उठानी है, ब्राउज करना है, यहाँ पे बूट के ऑप्शन पे आए हैं, तो यहाँ पे बूट आपको boot.vim उठाना है, ठीक है, सिंपल है, boot.vim को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे बूट इमेज आपकी क्रिएट हो जाएगी, बूट इमेज यहाँ बन रही है। तो ये थोड़ा वीडियो लेंदी है माय डियर फ्रेंड्स, बट ये वीडियो काफी मजेदार है, आप इसको करेंगे, हैंड्स ऑन करेंगे, तो काफी कुछ अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको आने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने बूट इमेज को भी डन कर लिया है, तो ये दोनों ही इमेजेस हमारी रेडी हैं, आपको भी ये दोनों इमेज प्रॉपर रेडी कर लेना है, install इमेज एंड बूट इमेज। जब ये दोनों इमेजेस प्रॉपर रेडी हो जाएंगे, इसके बाद अगला प्रोसेस है अपने क्लाइंट मशीन को सेटअप करना है। तो चूंकि मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन पे सारे प्रैक्टिकल्स को आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ, तो बेसिकली जो अगली वाली क्लाइंट मशीन है जिसपे मुझे विंडोज इंस्टॉल करना है, वो मैं बेसिकली वर्चुअल मशीन ही बना के आपको यहाँ पे शो ऑफ करने वाला हूँ। आपके केस में आपके सामने एक्चुअल मशीन हो सकती है, नो प्रॉब्लम, एक्चुअल मशीन भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, बस आपको सिंपली लैन कार्ड की सेटिंग करनी होती है, वो मैं लैन कार्ड की सेटिंग वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको बायोस में जाके लैन कार्ड की कौन कौन सी सेटिंग और कैसे करनी होती है, वो चीजें मैं अभी वीडियो में आगे डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से। तो फिलहाल में मेरे दोनों इमेजेस रेडी हैं, इमेजेस रेडी होने के बाद आप यहाँ इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे रिमोट इंस्टॉल नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, इसके अंदर आपकी सारी इमेजेस वगैरह कंटेंस हो गई हैं, आपको इसकी हेडेक नहीं लेनी है। अब सीधे चलते हैं, एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम विंडो इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मेरा सर्वर का सारा काम हो गया है, एक छोटा सा काम बाकी है कि आप DHCP पे जाएंगे वापस, ध्यान रहे आपको एक छोटे से एरर रिजॉल्व करने हैं। यहाँ पे विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे जाएंगे, देन आफ्टर आप यहाँ पे DHCP पे जाएंगे,
डीएसईपी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो आपने स्कोप बनाया है आप उस स्कोप को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। स्कोप के राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे, यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में चले जाएंगे, यहाँ पे डीएससीपी को ना आप बोथ ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रहे जब तक ये बोथ ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी बूट प्रोटोकॉल नहीं काम करेगी। जब तक बूट प्रोटोकॉल काम नहीं करेगी तब तक वो जो पीएक्सई पीएक्सई बूट रॉम चिप है वो बूट प्रोटोकॉल ही जनरेट करती है। ये डीएससीपी पर रहा तो डीएससीपी सर्वर के थ्रू आईपी नहीं मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पे बोथ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यदि आपका आईपी एक्सेस नहीं हो रहा है इन एनी के सर्वर से, क्लाइंट बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है पर उसको आईपी नहीं मिल रहा है, तो आप ये समझ जाओ कि आपने यहाँ पे इसको चिक नहीं किया है। तो आपको यहाँ पे आके बोथ ऑप्शन पे चिक करना है, ऑप्शन अप्लाई होके करके बाहर आ जाएंगे। तो आपने सर्वर पूरी तरीके से रेडी कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं एज अ क्लाइंट और उस पर हम रिमोट इंस्टॉलेशन करके देखते हैं कि कैसे फुलफिल होता है। तो मैंने सर्वर को मिनिमाइज कर दिया है, वापस मैं अपनी विंडोज पे आ गया हूँ। विंडोज पे मैं यहाँ वर्चुअल मशीन की तरफ आ जाता हूँ। ये मेरा हाइपर वी मैनेजर आ गया है, यहाँ पे एक मशीन तैयार करता हूँ। न्यू पे जाते हैं, वर्चुअल मशीन पे क्लिक करते हैं। वर्चुअल मशीन पे यहाँ पे मैंने दे दिया WDS नेम। नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं, जनरेशन वन के थ्रू जाते हैं। यहाँ पे मैंने बेसिकली यहाँ पे जो मेमोरी असाइन करनी है वो 2 GB ले लेता हूँ। मशीन मेमोरी असाइन करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बेसिकली नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस में आपको ध्यान रखना है। वर्चुअल मशीन के केस में आपको यहाँ पे डिफॉल्ट स्विच लेना ही कंपलसरी है। यहाँ पे डिफॉल्ट स्विच लिया, डिफॉल्ट स्विच लेने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बेसिकली मैं 20 GB असाइन कर देता हूँ अपनी क्लाइंट मशीन के लिए कि 20 GB में विंडो वगैरह इंस्टॉल हो जाए। सो नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे, आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। इस विज़ार्ड पे आपको यहाँ पे इंस्टॉल, यहाँ पे आपको इंस्टॉल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन सर्वर्स पे चेक करना है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉलेशन करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे नेटवर्क बेसिकली यहाँ पे नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन को सेलेक्ट करेंगे। मैं कोई इंडिविजुअल लोकल ड्राइव लोकल डिस्क वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैं बेसिकली यूज करने वाला हूँ नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन सर्वर का। आपको इस केस में क्या करना होगा, आपको अपने क्लाइंट पे क्या करना होगा, यदि आप एक्चुअल मशीन पे वर्किंग है तो एक्चुअल मशीन की बायोस ओपन करेंगे, क्लाइंट साइड बायोस ओपन करेंगे। बायोस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो वहां पे आपको बेसिकली लैन कार्ड का जो ऑप्शन होता है वहां पे एक बूट रॉम होता है, बूट रॉम को आपको इनेबल करना होगा। जब बूट रॉम को इनेबल करेंगे तो आपके बूट डिवाइस प्रायोरिटी में लैन कार्ड फ्लैश होने लगेगा। और जैसे हम सिंपल इंस्टॉलेशन करते हैं तो पेन ड्राइव सेलेक्ट करते हैं या फिर हार्ड डिस्क सिलेक्ट करते हैं, इस केस में आपको बूट रॉम इनेबल करने के बाद आपका जो बूट डिवाइस ऑप्शन आता है बूट डिवाइस प्रायोरिटी में आपको अपना लैन कार्ड सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरी वर्चुअल मशीन है इसलिए पहले मैं डिफाइन कर दिया हूँ कि जब भी बूट करे हमारा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो वो नेटवर्क पे बेस्ड हो। तो नेटवर्क पे बेस्ड हो तो मतलब सीधे वो पिंग करेगा मेरे WDS सर्वर को, ठीक है। तो WDS सर्वर को जैसे ही पिंग करेगा मेरा WDS सर्वर रिस्पॉन्ड कर देगा, रिस्पॉन्ड कर देगा तो क्लाइंट पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल शुरू हो जाएगा, ठीक है इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे मैंने वर्चुअल मशीन के केस में ऐसा किया है, आपको बायोज ओपन करना है। बायोज में जाके सबसे पहले पीएक्सई इनेबल करनी है, पीएक्सई बूट रॉम इनेबल कर लेना है। ऑलमोस्ट ये डिसेबल होता है, डिसेबल के केस में आप फर्स्ट बूट डिवाइस प्रायोरिटी में आपका लैन कार्ड नहीं अपीयर होगा। तो आप ध्यान रहे सबसे पहले पीएक्सई बूट रॉम इनेबल करना है, इनेबल करके सेव करके एग्जिट करके दोबारा आप बायोज में जाएंगे। जब दोबारा बायोज में जाएंगे तो वहां पे बूट डिवाइस प्रायोरिटी जहां आप सिलेक्शन लेते हैं वहां पे लैन कार्ड जैसा कुछ ऑप्शन आने लगेगा, लैन कार्ड या नेटवर्क इंस्टॉलेशन समथिंग कुछ ऐसा ऑप्शन आने लगेगा। तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके बूट करेंगे सिस्टम को, तो आपका सिस्टम लैन कार्ड के थ्रू बूट होगा। लैन कार्ड के थ्रू बूट होगा तो सबसे पहले लैन कार्ड डीएससीपी सर्वर को फाइंड आउट करेगा। चूंकि डीएससीपी सर्वर ऑलरेडी बना रखा है WDS पर तो डीएससीपी सर्वर तुरंत क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्ड करने के बाद तुरंत उसको आईपी देगा। जैसे ही क्लाइंट को आईपी मिलेगा और ये क्लाइंट और सर्वर दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, कनेक्शन के तुरंत बाद ही TFTP प्रोटोकॉल रन कर जाएगी। और उस TFTP प्रोटोकॉल रन करने के बाद हमारी जितनी भी इंस्टॉलेशन इमेजेस होती हैं, जितनी भी फाइल्स हैं, वो सर्वर से मूव करनी शुरू कर देंगे क्लाइंट के रैम में, इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इंस्टॉल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन को सिलेक्ट करना है क्योंकि मैं नेटवर्क के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। यहाँ पे पहले मैंने ऑलरेडी वर्चुअल मशीन की वीडियो बना रखी है, वहां पे मैं ये इंस्टॉल पे जाके यहाँ पे
बेसिकली इमेज फाइल आईएसओ को सिलेक्ट किया था, यहाँ पे अब वो सारा ऑप्शन नहीं है, आपको यहाँ पे नीचे वाले थर्ड और लास्ट वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। तो ये बेसिकली नेटवर्क इंस्टॉलेशन सर्वर्स के लिए, नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन सर्वर का ऑप्शन यहाँ पे वर्चुअल हाइपर वी में दिया हुआ है, ठीक है। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, ये सिलेक्शन ले लिया है। तो ये सारी चेंजेस सेटिंग्स मैंने यहाँ पे करी है जो कि समरी के अकॉर्डिंग आ रहा है, फिर यहाँ हम फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद आप देख रहे हैं कि एक दूसरी वर्चुअल मशीन हमारी रेडी हो चुकी है WDS के नाम से, ठीक है। अब इस WDS की मशीन को हम रन कराते हैं, सबसे पहले इसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे WDS, यहाँ पे आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पे DSCP रन कर गया है। आपको यहाँ जैसे DSCP रन करेगा तो यहाँ पे F12 प्रेस करना होगा, ध्यान रहे आपको यहाँ पे F12 प्रेस करना है। यदि आप F12 नहीं प्रेस करेंगे तो आपका डिवाइस बूट नहीं करेगा। तो एक बार दोबारा मैं यहाँ पे बेसिकली कंट्रोल ऑल डिलीट करता हूं और आप फिर से दोबारा देखेंगे तो यहाँ पे F12 पे आप उंगली रखें अपनी और जैसे F12 बोले F12 आप प्रेस करते, जैसे F12 प्रेस करेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो सोर्स है जहां से ये इमेज एक्सेस हो रही है वो boot.vim फाइल है, और ये boot.vim मतलब 10.0.0.1 जो आपका WDS सर्वर है 10.0.0.1 इस वाले सर्वर से ये वाला क्लाइंट एक्सेस कर रहा है इमेजेस को। आप यहाँ पे फिर से वेरीफाई कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर दिखा दूं, ये बेसिकली जो इमेज रन कर रही है या इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस रन कर रहा है वो एक पर्टिकुलर आईपी के थ्रू कर रहा है, मतलब ये इंस्टॉलेशन नेटवर्क के माध्यम से चल रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपका बूट लोगो आ गया है। अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा, यहाँ पे देख रहे हैं सेटअप इज स्टार्टिंग का विंडोज आ गया है। तो WDS को हमने यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स प्रॉपरली, इसके बाद आपके सामने ये विजार्ड अपीयर हो जाएगा। इस विजार्ड में आपको सिंपली लैंग्वेज सिलेक्शन लेना होता है माय डियर फ्रेंड्स। लैंग्वेज सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको रखना है, यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन में वो रीजन डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उस लेवल पे आप यहाँ लैंग्वेज सिलेक्शन ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आप यदि इंग्लिश फेमिलियर हैं तो आपको यहाँ पे यही लैंग्वेज रखनी है। नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट करने के जैसे बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट करके, तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेट करेगा, मतलब ये जो WDS सर्वर हमने बनाया है उस सर्वर से कनेक्ट होने के लिए बेसिकली यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस डन करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन के लिए सिंपली आपको यदि आप डोमेन के द्वारा गए हैं, मीन्स ADDS को यूज किया है WDS में, तो यहाँ पे अपना डोमेन नेम स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर देना होगा। यदि आपने इन स्टैंड अलोन को सिलेक्ट किया हुआ तो ये जो ऊपर कंप्यूटर नेम आ रहा है, कंप्यूटर नेम टाइप करके फिर स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कंप्यूटर नेम के थ्रू जाऊंगा क्योंकि मेरा स्टैंड अलोन PC है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है टाइप विन, ऊपर आपको दिख रहा है PNPDL, इट्स अ PNPDL, ओके DLNL8, इट्स NL8 J34। आपका कंप्यूटर नेम प्रॉपर करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आपको एरर फेस करनी पड़ सकती है। इट्स अ WIN विन, इट्स अ विन PNPDL, दैट इज अ PNPDL NL8, इट्स NL8 J34, ओके इट्स करेक्ट। स्लैश लगा के आपको वापस यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर देना है, सो दैट इज ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर देना है। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे कैप्स में होगा बाय मिस्टेक, सो इट्स ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर हमारा डन हो गया। तो जो भी WDS के सर्वर का पासवर्ड है बेसिकली फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे वही एक्सेस करना है। जब विंडो डल जाएगी तो फिर आप अपना इंडिविजुअल पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यदि स्टैंड अलोन सिस्टम पे जा रहे हैं, WDS नहीं ADDS नहीं है, तो आप यहाँ पे कंप्यूटर नेम स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। यदि आप ADDS के थ्रू जा रहे हैं तो डोमेन नेम स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, देन आप यहाँ पे यूजर पासवर्ड फिल करेंगे, देन आप ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे अगला विजार्ड आ जाएगा। अगले विजार्ड में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेक्शन लेना होता है, तो यहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सेकेंड ऑप्शन ले लिया है। नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फिर आपका वही पार्टीशन क्रिएट करना होता है, पार्टीशन क्रिएट करेंगे। पार्टीशन क्रिएट करने के बाद सीधे आप नेक्स्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपके इंस्टॉलेशन प्रोसेस में फाइल कॉपिंग, गेटिंग फाइल रेडी, इंस्टॉलेशन फीचर, इंस्टॉलिंग यू नो ड्राइवर्स, फिनिशिंग सेटअप्स, ये सब कुछ डन होने के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा क्लाइंट मशीनों पे। ऐसे ही साइमल्टेनियसली आप मल्टीपल यू नो कंप्यूटर पे सीधे एक साथ WDS फीचर को यूज करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे हम खत्म करना चाहेंगे।
तो आई होप सो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो गया होगा, WDS के सारे फीचर और सारे जो ये प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन है आपको प्रॉपर क्लियर हो गई होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस आपको समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब और चैनल लाइक और वीडियो और कमेंट्स भी कर सकते हैं, आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो उसे भी पूछ सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि आपको फ्यूचर के नोटिफिकेशन मिल सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।